Okay, because of the network issue, I was signed out. It's okay. Now let's begin. Okay, so what we need for the class, let me just tell you, you need one sheet. Okay, आपके पास rough notebook है, आप rough notebook use कर सकते हो, A4 size sheet है, वो use कर सकते हो, drawing file, drawing sheet, whatever you want to use, you can use it and get your colors. ठीक है, तो colors में आप crayons, pencil colors, sketch colors, कुछ भी ला सकते हो. So in the count of 10, just quickly get it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, are you all ready? Just show me a thumbs up if you're ready with things. Okay, Niyati is ready. Yajat is ready. Yash is ready. Somaya is ready. Siddhant is ready. Vihan is ready. Okay. So all these people who have their videos off, please turn them on. Darsh, Yajad, Abhiraj, Saksham, Bansh, Arab, Anand, Diya, please turn your videos on. Sathak, Utkarsh, Nihika, quickly all of you turn on your videos. Right, so what you have to do, I'll just give you the instructions. आप imagine करो कि आपके garden में आप एक plant grow करना चाहते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप एक seed लाते हो. Seed is your choice. आपको कौन से plant का seed चाहिए? That's your choice. आपकी मर्जी आपको कौन सा plant grow करना है अपने garden में. तो आपके पास उसका seed है. आप उसको soil में डालते हो, okay? You sow it in the soil and then you see it growing. तो वो कैसे-कैसे आपके गार्डन में ग्रो कर रहा है और वो टॉल ट्री बन जाता है या वो टॉल प्लांट बन जाता है डिपेंडिंग कि आपने किसका सीड लिया है. एग्जांपल, अगर आपने लेट्स से मैंगो का सीड लिया है, एप्पल का सीड लिया है, तो वो डेफिनेटली ट्री बनेंगे, है ना. बट अगर आपने टमेटो का सीड लिया है, कुकंबर का सीड लिया है, ब्रिंजल का लिया है, तो वो टॉल प्लांट्स बन जाएंगे, राइट. तो आप इमेजिन करो अपने पास, और अपने पास आपने ड्रॉ करना है उस शीट पर डायरेक्टली विद द कलर्स. आपने पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना, कलर से करना है. तो कोई भी एक कलर आप चूज कर सकते हो फॉर ड्रॉइंग, और आपको कलरिंग नहीं करनी उसमें. हमारा फोकस ये देखना नहीं है कि कौन किसकी ड्रॉइंग अच्छी है. हमारा फोकस ये है देखना कि हम कैसे उस प्लांट की लाइफ साइकिल को दिखा रहे हैं. ओके, तो सीड है आपके पास, आपने उसको सॉइल में सो किया और अब वो फाइनली बिग प्लांट या बिग ट्री बन गया है. तो आप उसको दिखाओ बनाकर कि वो कैसे बड़ा हो रहा है. तो इमेजिन करो अपने माइंड में और पेपर पे बनाओ. ओके, सो दैट्स द टास्क एंड आई विल गिव यू अराउंड 5-7 minutes फॉर इट. सो इट्स 12:35, 12:40 पे वी विल वाइंड अप. सो यू हैव 6 minutes. यस यजत मैम, दो ड्रोन सुनानी है. क्या दो सुनानी है बेटा? हमें दो ड्रॉइंग सुनानी है, जिसमें एक हमें दिखाना है कि हमने एक तो सीड को प्लांट किया है और एक की वो सीड अब बड़ा हो चुका है. आपने दो ही बनानी है? आप खुद सोचो, आप उसको ग्रो होता हुआ इमेजिन कर रहे हो, तो वो कैसे बड़ा हो रहा है आपको वो दिखाना है. तो जब वो सीड स्प्राउट हुआ तो पहले कौन सा पार्ट आया, फिर उसमें कैसे लीव्स आए, फिर जब वो बड़ा हुआ तो कैसे थे लीव्स, ओके, फिर वो और बड़ा हुआ तो कैसा दिखा. तो आपने वो इमेजिन करके ड्रॉ करना है. ओके, यस अक्षम. मैम उसके जर्मिनेशन भी दिखानी, मैम सीड की जर्मिनेशन. दैट्स अप टू यू, इट्स योर गार्डन. ओके मैम. ओके, इट्स अप टू यू व्हाट कम्स टू योर माइंड. यस मैम, कैन यू टेल मी अगेन व्हाट इज द टास्क? यू हैव टू थिंक दैट यू हैव अ सीड एंड यू हैव प्लांटेड इन द सोइल इन योर गार्डन. And that seed is growing and becoming a tall plant or a tall tree. तो आप वो imagine करकर उसके stages बना रहे हैं कि कैसे वो grow कर. एक plant को उगते हुए दिखाना है. Seed से. Okay ma'am. Okay. Yes Ishika. Ma'am, I am come late. You have to make
imagine a seed. You have a seed and you have to imagine how it is growing in your garden and draw it. So आपने उसको grow होते हुए draw करना है कि वो कैसे कैसे बड़ा होके big plant या big tree बन रहा है. Okay? So 4 more minutes for people who are doing. Yes, Manik. मैं मतलब इसमें plantation cycle बनानी है. That's up to you what you want to call it. Okay. Okay, Anant, you've done? Yes. Okay, just give me a minute, I'll look at it. Okay, yeah, share your work. Yes. And also talk about it. Aapne kya banaya, theek hai? Okay, ma'am. Mama, firstly, it is a seed and then it grows its roots and then it makes its stems and then leaves come. And then, ma'am, these yellow flowers come in which our tomatoes will be grown. And, ma'am, this tomato, ma'am, is now raw. And, ma'am, these are small, small buds present there. From which these are, you can say, these are the seeds from which you can grow a new tomato plant. Okay, and what is before this? इससे पहले के stages मेरे को यही दिखा. इससे पहले आपने क्या दिखाया? Ma'am, मैंने तो उसका last stage बना दिया है. Ma'am, क्यों? मैं process बता रहा हूँ. Ma'am, पहले seeds से roots, then ma'am stems, then leaves, then ma'am buds, and then these yellow flowers, and ma'am then raw tomatoes, and then our red tomatoes. Okay, why did you choose to draw just the last stage when you had to depict the stages? Ma'am, I can't understand. I thought that I have to only draw last stage. Okay. Fine there. You may mute. Okay, Abhiraj. Yes, Abhiraj. Yes, ma'am.
Yeah. Ma'am, this is mango seed. Okay. And ma'am, little plant. Ma'am, leaves come. Okay. And ma'am, little plants come. Ma'am, wooden. It looks and more like a tree. Okay. And ma'am, small. Ma'am, small tree become. Tree big. Then tree come big. Then tree come big. Okay. And little fruit come. Okay. And this is mango. Okay. So it's a full fledged grown tree now. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, आप पीडी की कॉपी देख लो हमारी. Yeah, please show the book. Ma'am, this is my title. Okay. And ma'am, cover page. Okay, that's your content. Ma'am, preface. Okay. Ma'am, chapter one. Okay. And ma'am, chapter two. Okay. Ma'am, chapter three. Okay. Have you also written what makes you contented? Yes. Ma'am, yes. Okay. And ma'am, chapter four. Okay, gratitude. Ma'am, chapter six. Okay. Ma'am, chapter seven. Okay, believing. Ma'am, chapter eight. Right. So, can you read chapter eight for us? Yes, ma'am. Hmm. Oh, I am so happy. I am complete my task. I did not know I was a such a good writer. I love writing. This book, I learned a lot about myself and this and this precious life while concluding this book. By concluding this book. I want to say something. The key to being happy is knowing you have the power to choose what to accept and let go. Okay. Earning aega. Okay. So is that your real experience? Were you happy to know about yourself? What makes you happy? And how important you are to yourself? Yes, Abhiraj? I'm sorry, ma'am. I just said after writing this book, could you feel that you are something? Ma'am, yes. Important for your own self. So it's important so you can be happy by your own self. Yes, ma'am. Right. So it's a beautiful ending that you've given. Thank you, ma'am. I really like the book, the way you've written and decorated it. And it's good you also discovered your skill of writing. So great. All the best, ma'am. And keep going there. Okay. Purvi. मैम फर्स्ट ये सीड होता है देन ये थोड़ा बड़ा होता है फिर ये और थोड़ा स्मॉल प्लांट बन जाता है मैम उसके बाद ये फुल एक ट्री बन जाता है मैम ये ऑरेंज ट्री है उसके बाद इन ट्री में से फार्मर्स ऑरेंज प्लक कर लेते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं Mama, how was my seed cycle? It's looking nice, Pita. Okay. Siddhant. Pehle mango. Ma'am, this is my seed. Okay. Ma'am, first of all, ma'am, this is a seed of mango. And ma'am, this is a root.
And then this is a root and small plant. And then this is a plant, big plant. And then this is a mango tree. Okay, fine. And जहाँ से मैं mango grow होते हैं. Okay. Vihan. Ma'am, first of all, this is the apple seed. Then okay. It grows to small plant, and after that it become a tree of apple. And when we eat apple and the apple seed of apple, we can grow and more apple trees are grow. Okay, great. Thank you. Okay, people. Now we saw the work of almost 4-5 people. और हम सबने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग थे सबने अलग अलग तरीके से प्लांट की स्टेजेस दिखाए. किसी ने एक ही स्टेज में बना दिया, किसी ने 3-4 स्टेजेस में किया, किसी ने 5-6 स्टेजेस में किया. तो आपको क्या वजह लगती है कि हम सबने प्लांट की जो साइकिल है उसको अलग अलग स्टेजेस में क्यों दिखाया? किसी ने सिर्फ 3 स्टेजेस दिखाए, किसी ने 4 दिखाए, किसी ने 6 दिखाए, ऐसा डिफरेंस क्यों आया? Can you think of the reason why there was this difference? Aram, I've seen the work, Bita. Okay, Purvi. Yeah, Purvi. मैम हमें बताएं कि सब बच्चों ने अलग अलग क्यों बनाया है, क्योंकि मैम सब लोगों ने अलग अलग तरीके के प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाया है. कोई कैसे उगता है मैम, कोई कैसे ग्रो करता है. कोई कैसे ग्रो करता है वो हमारे सीड पर डिपेंड करता है, बट हर प्लांट या सीड की साइकिल तो एक ही रहेगी ना, कि सबसे पहले रूट ही आएगी, पर वो हमने रूट तो नहीं दिखाई, या रूट के बाद ही शूट आएगी और सिर्फ 2 लीव्स ही आएंगी, हमने वो भी नहीं दिखाई. और अगर हमने वो स्टेज दिखाई तो उस स्टेज के एकदम से बाद हमने ट्री दिखा दिया, राइट? बीच में भी तो स्टेजेस आए होंगे ना, तो हम सबने क्यों वो स्टेजेस नहीं दिखाकर अलग अलग नंबर के स्टेज दिखाए? मैम क्योंकि सबकी इमेजिनेशन अलग होती है. ओके, बट द फैक्ट विल ऑलवेज बी द फैक्ट, राइट सुमाया? आई हैव डन, या ऑलराइट, आई हैव सीन द वर्क. Great. So, we all may have different imagination, but the plant will have the same cycle. है ना? अब जैसे मैं आपकी बात करूं कि आप जैसे born हुए थे, जब baby थे, born हुए, आप newborn baby हो, और उससे लेके अब तक के आप अपना स्टेज बताओ. अब आप 10-11 years के अराउंड हो गए, राइट? तो अगर आप अपनी स्टेजेस बनाओगे, क्या आप सब उसको सिर्फ कोई 2 स्टेज में, कोई 4 स्टेज में खत्म कर देगा? हम सबकी डेवलपमेंट तो सेम ही हुई ना, जब हम बॉर्न हुए तो हमें मूव करना नहीं आता था, राइट? बैठना नहीं आता था, तो पहले हम सब बैठने सीखे, उसके बाद हमारे टीथ आने शुरू हुए, हमने क्रॉल करना स्टार्ट किया, हमने वॉक करना स्टार्ट किया. हम सब ने डेवलपमेंट तो एक जैसी ली ना, कोई पहले कुछ करता है, कोई दूसरा थोड़ा लेट करता है, बट हम ग्रो तो एक ही हिसाब से करते हैं ना सब. ऐसे ही प्लांट की साइकिल है कि पहले हमेशा रूट ही आएगी सीड में से. कोई ऐसा तो नहीं ना कि एप्पल में से सीधा शूट आ रही है और मैंगो और बाकी प्लांट्स में से रूट आएगी, ऐसा भी नहीं है. तो स्टेजेस तो सबकी सेम है. ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम सबने अलग अलग बनाया, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, वो था कि हमें काम खत्म करना है, क्योंकि हमें टाइम मिला हुआ था और हमें काम खत्म करना है, है ना? तो जिसको बहुत जल्दी थी काम करने की, उसने फटाफट किया. जिसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम लिया. किसी ने कलरिंग पे टाइम इन्वेस्ट किया तो किसी ने 1-2 स्टेजेस और बना दिए, या किसी ने पहले तो बहुत अच्छे से स्टेजेस दिखाए और फिर एकदम से ट्री दिखा दिया. तो ये क्या था? ये था हमारा पेशेंस लेवल किसी चीज को काम करने का. हम सबका आंसर क्यों अलग है, या हम सबने क्यों अलग अलग स्टेजेस में बनाया है, हमारे पेशेंस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी जल्दी है काम खत्म करने की, है ना? अब सोचो आज के वर्ल्ड में, आज की लाइफ में जो हम जी रहे हैं, हमें हर चीज जल्दी चाहिए ना. मैंने जैसे ही बोला कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, तो फटाफट हमने जोमैटो कर दिया. मुझे पिज्जा चाहिए या मुझे बर्गर चाहिए तो स्विगी से मंगा लेते हैं. इट विल डिलीवर इन 30 मिनट्स. वी डोंट इवन वेट कि हम रेडी हुए और घर से बाहर जाए. सिमिलरली प्रोजेक्ट आया है,
आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, चलो फटाफट से इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं, राइट? सो दिस वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, हाउ डू वी वॉन्ट थिंग्स टू हैपन? वी वॉन्ट देम टू हैपन क्विक और वी वॉन्ट देम स्लो? इफ यू वॉन्ट क्विक गिव मी अ थम्स अप, इफ यू वॉन्ट स्लो गिव मी अ थम्स डाउन. कम ऑन क्विकली. Anand, do you really think you want slow? Think how many stages you have made. Think. हमें धीरे से, हमें कोई favorite game चाहिए और मम्मा कहे बेटे 1 year के बाद लेके दूंगी, अभी नहीं लेके दे रही. हम wait कर लेते हैं ना 1 year. Come on, tell me yes. अगर आप 1 year wait करते हो तो who will wait for 1 year? Okay, Shaurya says yes. Wow, it's good if you can. But in this fast world where we are just running, life is becoming very fast and we want everything जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए. हमने अभी ये मांगा, अभी ये हो जाए. हमें ये चाहिए तो अभी लाके दो, नहीं तो क्या होता है, हम फाइट शुरू कर देते हैं. तो आज के टाइम में हम सब में जो चीज मिसिंग हो रही है वो पेशेंस है. फोन पे गेम खेलने बैठते हैं, 1 minute के लिए फोन हैंग हुआ, what is our reaction? Do we give time to the phone कि हम restart कर लें या button ही press करते रहते हैं? सोचो. तो अगर आप wait नहीं करते ना phone के ठीक होने का और button ही press करते हो तो it means patience नहीं है. ऐसे ही अगर movie देख रहे हो, ad आ गया तो फटाफट channel change, कहीं तो कुछ आ रहा होगा. तो हम ad finish होने का wait नहीं करते, patience नहीं है. So it is this activity we did to understand कि जैसे plant को grow होने में time लगता है, यही patience होती है. कि जब हम किसी चीज के लिए wait करते हैं और उसका result eventually it will come out to be good. But अगर हम हड़बड़ाहट में कोई चीज मांगते हैं तो हम उसको value भी नहीं कर पाते. Okay? So can anyone tell me what do we mean by patience? अगर आपको समझ आया तो Anshika, you want to answer? मामा, मैं ये कह रही थी कि मैम, मैं जैसे कि मैम मैं फोन में कुछ देखती हूँ और मेरा कुछ लेने का मन करता है, मैम मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी होता, पर मैम फिर मैं सोचती हूँ कि ना मेरे पास और क्यों लूँ, मैं उनको भी रिसाइकिल करके मैम उनको भी और अच्छा बना सकती हूँ, जो खराब टॉयज है जितने भी, और मेरे जो मुझे अच्छे लगते मैं उन्हें दूसरे लोगों को दे सकती हूँ, या मैम मैं उनका कुछ भी कर सकती हूँ, और मैम मुझे और मंगाने की जरूरत नहीं है. मैम जितना हम चीज को मंगाते हैं ना मैम, उतनी हमारी इच्छा बढ़ती जाती है कि हमें ये भी मंगाना है. Exactly. सिर्फ हमें अपने आप को कंट्रोल करना है कि अब हमें नहीं मंगाना, तभी हम कंट्रोल हो पाएंगे. डेफिनेटली यस. तो ये जो हम कंट्रोल की बात करते हैं ना, ये होता है पेशेंस, जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या वो चीज चाहिए भी या नहीं चाहिए, या अगर नहीं क्या फर्क पड़ता है. यस मैम. तो जो हमारे पास है हम उसे और कैसे बेटर यूज में ला सकते हैं. यस मैम. द टाइम्स व्हेन यू आर टेस्टिंग योर पेशेंस, राइट? एक्सक्यूज मी मैम. या मैम मेरे जो फादर है ना, जैसे कि मैम कोरोना वायरस है तो मैम थोड़े सबका बिजनेस धीरे चल रहा है, इसलिए मैम ना मैम हम ना मेरा जैसे कोई टॉय लेने का मन करता है तो मैम मैं तो मंगाती नहीं हूँ, पर मैम जो है ना मेरा भाई है छोटा, मैम वो हमेशा टॉय मंगा लेता है. मैम मैं उसको मना करती हूँ कि ऐसे परेशान मत करो, आपके पास इतने सारे टॉयज है, और मैम तोड़ देता है. Which is what? तो वही है, पेशेंस हमारी खत्म हो जाती है ना, क्योंकि जो चीज हमें मिल गई हमने उसको वैल्यू नहीं किया. अगर जो आपको कोई चीज चाहिए, मैम वैसे इस बात को वो खुद कहता रहता है जो मैं कह रही, और खुद ही करता रहता है मैम. Great. Anyone else wants to share any situation जब आप पेशेंस लूज कर देते हो, कोई सिचुएशन? Okay, Samriddhi, you want to share a situation? Ma'am, जैसे मैम आपने example दिया था, हम टीवी वाला, हम same होता है. Okay, तो कभी ऐसे हो जाता है हमारे साथ, right? We tend to lose our patience.
तो फिर क्या कर सकते हैं समृद्धि हम उस सिनेरियो में कि हमारी पेशेंस हम बिल्ड कर सके। जैसे अंशिका ने एग्जांपल शेयर किया कि वो पहले अपने टॉयज चेक करती है और उसको देखते कैसे रीयूज या रिसाइकल कर सकती है टू प्ले अगेन, तो यानी वो अपनी पेशेंस पे वर्क कर रही है ना, शी इज इंक्रीजिंग। तो आप क्या कर सकते हो मैम, हम उस चीज को दोबारा दोबारा वो करें, या फिर मैम हम उस चीज के लिए पेशेंस रखें कि हमें कुछ दिनों बाद खुद ही पता लग जाए कि वो चीज हमारे काम की नहीं है। राइट, और जैसे आप चैनल की बात करते हो तो उसमें आप कैसे पेशेंट रह सकते हो कि अगर ऐड आ गई तो व्हाट कैन यू डू? मैम हमें उसका वेट करना चाहिए ओके, या फिर मे बी आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो, आप कुछ और उस टाइम में कर सकते हो जब तक ऐड आ रही है ना, सो लेट द ऐड रन, यू मे बी यू हेल्प योर मामा इन सम वे, आप छोटा सा कोई अपना काम कर सकते हो या कोई गेम खेल सकते हो छोटी सी जस्ट टू डाइवर्ट, यस और नो? यस मैम। यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर? ओके अमृत, यू वांट टू शेयर अ सिचुएशन? यस मैम। मैम हम 2 इयर्स से मैम लैपटॉप का वेट कर रहे हैं मैम, लेकिन आ नहीं रहा, लेकिन मैम हम पेशेंस रख रहे हैं। ओके दैट्स नाइस। प्रेशर नहीं डाल सकते अपने मम्मी पापा पर। वाओ दैट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दैट। सो यस यू आर रियली प्रैक्टिसिंग पेशेंस हियर अमृत, दैट्स ग्रेट, गो अहेड एंड कीप डूइंग दैट। यस सक्षम। Wow, so which means you're waiting for the right time for things to happen, right? Yes, ma'am. Yeah. So when we wait, ki ho jayega, let's give time to things, you are definitely developing patience in that scenario. So Amrit and Saksham and Anshika, all three have portrayed the example for the same. Okay, who else wants to share? Purvi, you want to share the situation? Okay, go ahead. एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक स्टोरी रीड कर रही थी, वो बताना मैम आपको पेशेंस के बारे में। ओके प्लीज गो अहेड। मैम हमने एक स्टोरी रीड कर रही थी अपनी स्टोरी कॉपी में मैम, उसमें था उसका नाम पीयू था मैम, उसने एक दिन अपने फ्रेंड की गिटार बजाते हुए वीडियो देखी एंड मैम फिर उसने अपने मम्मी पापा दोनों से रिक्वेस्ट करा कि मेरे को गिटार चाहिए गिटार चाहिए। उसके मम्मी और पापा ने बोला पहले आप गिटार बजाना सीख तो लो, फिर मम्मी आपको गिटार दिला देंगे, पता चले फिर आपको सीखना ही नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। पर मैम फिर भी पीयू ने जिद करके अपना गिटार खरीदवा लिया था मैम, एंड मैम वो बहुत महंगा लिया था उसने, एंड मैम फिर वो सीखती नहीं थी गिटार। उसने कहा था मेरे को गिटार नहीं, मेरे को पियानो सीखना है। मैम उसके मम्मी पापा को बहुत लॉस हुआ था, तो उसके मम्मी पापा ने उसे कहा था कि अगर आप पेशेंस रखते तो हमारा लॉस भी नहीं होता, पहले हम आपको सिखाते फिर हम आपको गिटार दिलाते। राइट, फिर आप डिसाइड कर सकते थे कि आपको कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली सीखना है once you have tried it, right? मैम हमारा ब्रदर जब 6th क्लास में था वो तब से वेट कर रहा था लैपटॉप उसका, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं पापा ने प्रॉमिस किया था जब हम बड़े हो जाएंगे वो तभी लैपटॉप जलाएंगे, क्योंकि लैपटॉप में सिर्फ बड़े बच्चों का ही काम होता है। इसलिए मैम अब जाके हमारे भैया को मिला तो उन्होंने मैम पेशेंस रखा था मैम, 2 क्लास वेट किया था। वाओ दैट्स अमेजिंग। अमृता। यस मैम। Mm-hmm. Ma'am, before 2 years when we listened that the lockdown is good, like the Delhi is in, but that Delhi is serious and the school will continue online, so we have at that time we had not a lot of gadget, so my mother decided that we should buy our tablet, because at that time me and my brother was very small, and at that time so my mother preferred, and after 2 years I think that now I have to buy tablet.
मैम 2 इयर्स का मतलब लंबा समय मेरे मम्मी और मेरे भाई ने ऐसे वेट करा। 2 इयर्स बाद फाइनली पापा थिंक कि नाउ टैबलेट इज नेसेसरी और तब जाके उन्होंने हमको टैबलेट दिलाया। ओके दैट्स नाइस। सो यू न्यू द यूज एंड देन यू आस्क्ड फॉर इट, दैट्स नाइस। सो यस वी वेटेड फॉर इट और जब राइट टाइम था हमारे किसी चीज को यूज करने का हमने उसे तब लिया। डेफिनेटली दैट्स पेशेंस अगेन एंड हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग इट अगेन बाय वेटिंग फॉर इट एंड रियलाइजिंग ऑल्सो वेन वी नीड इट एट द सेम टाइम। ओके इशिका मैम हमें मैम 3 इयर्स हो गए मैम स्कूल में खुल रहे मैम स्कूल में आने का मैम बहुत होता है मैम मैम हम पेशेंस करते हैं। ओके सो वी आर स्टिल पेशेंट अबाउट द सिचुएशन। सॉरी यू वांटेड टू से समथिंग मैम हम अपने फोन के लिए भी पेशेंस कर रहे थे मैम फोन आएगा मैम 3 इयर्स आगे आया मैम हमारे फोन में दूसरा फोन भी खराब हो गया था हमारा। ओके नियति माही हैव सीन योर ड्राइंग बेटा। यस मैम मैम हमारा एक कजन है मैम उसने मैम अपने मदर एंड फादर से मैम रिक्वेस्ट की थी कि मुझे क्या नाम है एक पियानो चाहिए जिसके साथ मैम माइक भी आता है। सो मैम उसके फादर एंड मदर ने बोला था बेटा अभी बिजनेस बहुत लो चल रहा है तो मैं आपको नहीं दिला सकता। सो मैम उन्होंने भी उनको यही बोला था कि क्या नाम है आप एक बार सीख लीजिए कि कैसे होगा देन ही हम आपको दिलाएंगे मैम। पर उसने सीख भी लिया फिर मैम बाद में पता चला कि मैम उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था मैम उसको मैम बैरेट में इंटरेस्ट था तो मैम उसके फादर मदर ने मैम फिर उसको बैरेट दिलाया। सो मैम उसने मैम पेशेंस करा था मैम उसके लिए 2 इयर्स का। राइट सो द रियलाइजेशन आल्सो केम इन व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड राइट and where your interest is as well. Okay, Kasaf, Fatima. Yeah, dear, you want to say something? Oh, she's muted again. Yes, Anand. Yes, ma'am, ma'am, मुझे भी एक game चाहिए ma'am. मैं भी उसके लिए बहुत time से wait कर रहा हूँ. मैं laptop के लिए भी 3 years से wait कर रहा हूँ. मुझे एक और चीज चाहिए थी लेकिन मैम मैं उसके लिए भी अपने बर्थडे तक वेट कर रहा हूँ मैम। मेरे पापा मुझे PS4 दिलाने वाले है ना मैम तो मैं अपने बर्थडे का भी वेट कर रहा हूँ। तो सी व्हेन वी वेट फॉर थिंग्स ठीक है जब हम किसी चीज का वेट करते हैं और फिर हमें वो चीज मिलती है तो हाउ डू यू कीप दोस थिंग्स देन आप कैसे उन चीजों का फिर ध्यान रखते हो। कैन एनीवन शेयर दिस कि आपने किसी चीज के लिए वेट किया एंड व्हेन यू गेट इट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इट देन एंड हाउ डू यू हैंडल इट देन। मानिक मैम हमने मैम अपनी ड्राइंग बनाई थी। ओके आई हैव सीन द ड्राइंग वुड यू आल्सो आंसर द क्वेश्चन मैम नो। ओके हु वुड लाइक टू आंसर कि जब वो चीज हमें मिलती है फिर हम जब हमें वेट करके मिलती है तब हम उसे कैसे हैंडल करते हैं और जब हमें एकदम मिल जाती है ना तब हम कैसे हैंडल करते हैं। लक्ष्य would you answer? Lakshya unmute yeah bataiye okay Lakshya I can't hear you. Next, next second, next second. आपका बहुत सारा नेटवर्क
आप एक बार वीडियो ऑफ करने वाले मैम Lakshya, I'm unable to hear you because of the network. Please turn off your camera and then speak. Okay. Ayushman? Yes, ma'am. Ma'am, एकदम से मिल जाती है तब ma'am हम surprise होते हैं जब ma'am जब पता होता है. ध्यान रखते हैं जब हमें एकदम से मिल जाती है. ma'am no ma'am surprise हो रही है और अगर wait करके मिलती है तो हम उस चीज को ध्यान से संभाल के रखते हैं या ऐसे ही ma'am या छोड़ दिया थोड़े टाइम बाद ma'am संभाल के रखते हैं right so patience हमें चीज हर किसी भी चीज को value करना सिखाती है कि हम उसको value करें हमें जो मिला है हम उसका ध्यान रखें उसे value करें उसे important समझें और कोई भी चीज अगर हमें एकदम मिल जाती है तो हम क्या करते हैं हम ध्यान ही नहीं देते थोड़े दिन खेलेंगे फिर हमारा मन भर जाता है फिर हमें कुछ और चाहिए सो विच मींस कि हमने उस चीज को वैल्यू नहीं किया ओके सो लेट्स वॉच अ स्मॉल वीडियो ऑन पेशेंस एंड जस्ट डिस्कस इट Doing, Zach? I'm doing my homework. I need to learn how to spell these long words. And how's it going? I just can't remember them, and I'm getting so cross with myself. Ugh. I'll help you. Try this one. Necessary. N-E-double-S. No. I just can't do this! Hey guys, what's wrong with Zach? He can't remember his spelling. But I got better. Do you know how? Patience. I'll just reshare it again because of the network it went off. Or rather, I'll tell you the story because the network problem is still there. Okay, so then what happens is then they start trying again and they learn slowly by dividing the word. So if it's a long word, let's say necessary. So necessary. So wo break karke word ko learn karte hain and taking time. So The lesson from this was ki patience means ki har cheez ko hone mein time lagta hai. So give yourself that time because jab aap apne aap ko time dete ho, to aap apne aap ko chance dete ho better karne ka kuch ya kuch naya karne ka ya us cheez mein improve karne ka. Okay? So why patience is important? Because that helps you to give yourself and others chance to move and grow further in life. All right, so with this, we wind up with today's session. I'll just tell you the homework for today. You got to read page 48 and 49 and do page 44 and 50. So 48 and 49 is for reading and 44 and 50 have a story and questions related to it. So kindly answer those, okay? So with this, we wind up with today's session. See you all and have a wonderful day. Bye.